लेपर्ड कैसे शिकार करता है ये सब हम जानते हैं, लेकिन इस बार लेपर्ड ने कुछ अलग ही किया। लेपर्ड ने एक बेबी इम्पाला को अपने मुंह में उठाया और उसे उसके परिवार से अलग कर दिया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि बेबी इम्पाला का काम तमाम हो गया, लेकिन यही आता है ट्विस्ट। लेपर्ड बेबी इम्पाला के आसपास एक गार्ड की तरह खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसे अपने नुकीले पंजों से मारता रहता है। ये गेम तब समझ आता है जब बेबी इम्पाला के पैरों पर पंजे मारने के निशान दिखाई देने लगते हैं। उसकी माँ भी बेबी इम्पाला को लेपर्ड का शिकार करने से नहीं बचा सकी और उसकी माँ उसे उसके हाल पर ही छोड़कर चली गई।